प्रदीप अरुणिता की चमकती दिवाली तो आप सभी ने देख ली होगी। जिस तरह से इस बार की दिवाली पवन अरुणिता ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट की, वाकई बहुत प्यारी थी। शायद दिवाली पर पवन अरुणिता और इनके सभी दोस्त मौजूद थे तो इन्हें अपने घर की भी याद नहीं आई होगी। लेकिन भाई दूज पर क्या हुआ वो सुनकर आपको भी झटका लगने वाला है। और भाई दूज के दिन पर पवनदीप अरुणिता इमोशनल दिखाई दिए, अपने भाई बहन को याद करते दिखाई दिए। पवन अरुणिता के भाई दूज वाली पिक्चर आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नींदू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है जिसमें उत्तराखंड का भाई दूज दिखाया जाता है, उत्तराखंड जहां के पवनदीप भी हैं। अगर इस भाई दूज पवनदीप उत्तराखंड में होते तो उनका भी कुछ इस तरह से पूजन होता। वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फैंस, पवनदीप अरुणिता ने इस दिन पर अपने घर को बहुत मिस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये वही रिश्ता है जिसमें बचपन की सारी यादें जुड़ी होती हैं। और पवनदीप भी अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं। पवनदीप की बहन ज्योति दीप और चांदनी राजन ने अपने भाई पवन को याद किया और अपने दूसरे भाई के साथ भाई दूज सेलिब्रेट किया। वही पवनदीप ने अपनी दोनों बहनों के साथ फोटो शेयर करके भाई दूज की बधाई दी। और अपने भाई की जान कही जाने वाली अरुणिता ने भी अपने भाई के साथ फोटो शेयर करके अपने भाई के लिए प्यार भरा संदेश लिखा। आपको बता दें, कल ही पवनदीप अरुणिता को यूएसए टूर के लिए निकलना था। अगर कल इन्हें टूर के लिए नहीं निकलना होता तो शायद आज ये अपने घर पर जाकर भाई दूज सेलिब्रेट करते। पहले इस वक्त दोनों यूएसए में शो की तैयारियां कर रहे हैं। आज रात इनके शो की वीडियो आने वाली है। आप इनके शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता को अब तक फैंस का बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला और आशीर्वाद भी मिला। ऑफ कोर्स फैंस और अपनों के सपोर्ट के बिना पवन अरुणिता आज जहां शायद वहां पहुंच भी नहीं पाते। पवन अरुणिता के अफेयर को लेकर भी कई बार अफवाह उड़ी, लेकिन पवन अरुणिता ने इन सभी अफवाहों को सिरे से नकार दिया और जिसे जो बोलना था वो बोलता रहा। लेकिन अब इन दोनों के बीच ऐसे तीसरे इंसान की एंट्री हो गई है कि अब बात का बतंगड़ बन गया है। बात इतनी ज्यादा गलत हो गई है कि तीसरे इंसान को अपना और अरुणिता का रिश्ता भी बताना पड़ा। जी हाँ, ये तीसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि अरुदीप के बैंड मैनेजर पारस हैं, जिन्होंने कल तक पवन अरुणिता और सभी दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिवाली के कुछ फोटोज उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देंगे। दरअसल दिवाली की फोटो में आपने नोटिस किया होगा, पवन अरुणिता के करीब ब्लू कुर्ता पहने खड़े पारस पोज दे रहे हैं। पारस पवनदीप के बिल्कुल करीब होकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवनदीप अपने काम से ज्यादा अपने टीम के लोगों का भी ख्याल रखते हैं, उन सभी के साथ दोस्ती वाला बॉन्ड रखते हैं। लेकिन लोगों ने इसे गलत बता दिया, लोगों ने पारस और अरुणिता को लेकर नेगेटिव बातें कह डाली। इस पोस्ट में काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे जा रहे हैं। पारस और अरुणिता का अफेयर बता दिया गया। अब जिसके बारे में ये सब बातें हो रही हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये खबर जरूर पता हुई होगी। फिर क्या, एक फ्रेंड ने पारस को स्पेशली मैसेज करके कहा कि ये सब क्या हो रहा, तुम जवाब क्यों नहीं देते। तो पारस ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों की सोच का कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी सोच लेते हैं, अरुणिता मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में इतना गलत कैसे आप लोग सोच सकते हैं। पारस के इस कमेंट के बाद ट्रोलर्स का मुंह बंद हो पाया, लेकिन अरुणिता ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप अरुणिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनली अरुणिता कांचीलाल ने दिवाली की फोटो शेयर करके फैंस की धड़कने बढ़ा दी। अरुणिता की चमचमाती दिवाली ने पवनदीप की भी हार्ट बीट बढ़ा दी। जब अरुणिता दिवाली वाली रात मुंबई की सड़कों पर निकली तो नजारा और खुशनुमा हो गया और पवनदीप तो उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। पीछे आतिशबाजी का शोर, जगमगाती रोशनी और पूरी मुंबई दिवाली के दीपक से चमक रही थी, तो दूसरी तरफ अरुणिता के चेहरे की चमक से पवनदीप ग्लो कर रहे थे। चमक अरुणिता रही थी और खुश पवनदीप हो रहे थे। कल पवनदीप अरुणिता दिवाली के दिन विदेश में शो करके वापस अपने वतन लौटे। उन्होंने अपनी दिवाली अपने देश में मुंबई में सेलिब्रेट की। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता दिवाली वाले दिन ही मुंबई वापस लौटे और अपने फैंस के साथ इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की। अरुणिता की दिवाली वाली वीडियो देख सकते हैं। अरुणिता वही व्हाइट गाउन पहने दिखाई दी जो उन्होंने विदेश में शो के वक्त पहनी थी। मुंबई के किसी खूबसूरत जगह पर रात के वक्त अरुणिता दिवाली मनाने निकलती हैं, जहां उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और पटाखों का शोर है, लाइट्स की रोशनी, और अरुणिता किसी टेरेस की तरफ खड़े होकर पोज दे रही हैं, अपने बालों को झटका रही हैं, घूम रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, नाच रही हैं। खास बात यह है कि पवनदीप
अरुणिता की ये फोटो शूट कर रहे थे जिसमें अरुणिता बहुत खुश लग रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। वही पवनदीप अरुणिता के घर की दिवाली कैसी रही, यानी कोलकाता और उत्तराखंड में बिना पवनदीप अरुणिता की कैसी दिवाली सेलिब्रेट की गई, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। पवनदीप अरुणिता के घर में ना होने पर इनके घर में किस तरह से दिवाली मनाई गई, पवनदीप अरुणिता के घर में इनकी कमी महसूस हुई और चेहरे पर वो चमक नहीं दिखी जो होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पवनदीप अरुणिता के घर वाली दिवाली भी दिखाते हैं। तब तक के लिए आप ये बताएं कि आपको अरुणिता की दिवाली वाली झलक कैसी लगी। पवनदीप अरुणिता का कल वाला टंपा वाला शो सुपर डुपर हिट गया। ये शो सिर्फ पवनदीप अरुणिता के लिए ही खास नहीं था बल्कि उनके फैंस के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि यहाँ पवनदीप अरुणिता ना केवल अपनी परफॉर्मेंस दी बल्कि फैंस के साथ झूमते नाचते नजर आए, नाचते गाते नजर आए। जी हाँ, अरुणिता की सेट से नाचते हुए वीडियो भी खूब वायरल हो रही है जिसे बार बार देखा जा रहा है। आप भी इस वीडियो को कई बार देखने वाले हैं क्योंकि जब पवनदीप के सामने अरुणिता होती है तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। व्हाइट ड्रेस में बड़ा की खूबसूरत लग रही है अरुणिता, मटक रही है और उनकी फोटो को लोग जूम करके देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बिना देरी किए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने हर किसी को पागल कर दिया। एक बार फिर हर कोई अरुणिता का दीवाना हो गया। वीडियो में अरुणिता की खुशी बता रही है कि वो पवनदीप के साथ कितनी खुश रहती है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप मंच पर गाना गा रहे हैं। पवनदीप जो गाना गा रहे हैं वो अरुणिता के लिए ही है। अरुणिता के लिए वो क्या फील करते हैं, वो उनके प्यार पर बिल्कुल फिट हो रहा है। पवनदीप तेरे नाम फिल्म का क्यों प्यार में ऐसा होता है गा रहे हैं और उसी जगह पर अरुणिता है जहां उनका मंच तैयार किया गया है, वहां रेत ही रेत दिखाई दे रही है और काफी बड़े खुले मैदान में लोगों की भीड़ दिख रही है और मंच के करीब रेत में ही अरुणिता डांस कर रही है, अपनी व्हाइट गाउन को लहरा रही है, व्हाइट गाउन को पकड़ कर घूम रही है और खुले बाल और उनकी ड्रेस उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। तो आपको अरुणिता की ये वीडियो कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने अरुणिता की ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को मिस ना करें, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें और सबसे पहले अरुणिता की वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में उनके लिए राय जरूर दें।